आज लोकतंत्र के इस महापर्व पर चर्चाओं के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा जी और साथ ही भाजपा से हमारे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आज सबसे पहले जिस तरह से बड़ी खुशी की बात है कि मतदान फीसदी बढ़ा है, लोग जागरूक हुए हैं मतदान को लेकर, क्या लगता है वीरेंद्र जी की ये जो मतदान फीसदी बढ़ा है वो किसके पक्ष में हुआ है और क्या माहौल चल रहा है? जी देखिए, सुबह से लेकर अब तक मैं कई बूथ पे भी जाकर आ चुका हूँ, जिस प्रकार आपके चैनल्स पे और अन्य दूसरे चैनल्स पे देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र का यह उत्सव आम जन इस प्रकार से मना रहे हैं। उन्हें खुशियाँ हो रही है कि जिस प्रकार से देश में ईमानदारी, पारदर्शी और मजबूत सरकार देखने को मिली, वैसी ही सरकार वह पुनः देखना चाहते हैं और उसका जो उत्साह और उमंग थी उसी के अनुरूप उन्होंने अपना वोट किया है। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जब 23 मई को चुनाव परिणाम आएंगे तो सभी और कमल ही कमल खिले हुए नजर आएंगे और कांग्रेस पुनः ईवीएम को दोष देती हुई नजर आएगी। जी वीरेंद्र जी, नीरज जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इन्होंने दोहराया कि एक बार फिर से कांग्रेस ईवीएम पर दोष मंडती नजर आएगी और मिशन 25 को भाजपा पूरा करेगी, आपको क्या लगता है ये जो मतदान फीसदी बढ़ा है वो किसके पक्ष में हुआ है, प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है? किसके पक्ष में हुआ ये तो कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है वो वाकई में खुशी की बात है। और लोकतंत्र में होना भी ये चाहिए कि सब आदमी अपना वोट का प्रयोग करे ताकि जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है, उनको भी सबक मिल सके, जो जनता के काम नहीं करती है, जो जनता के विरोध में रहती है। और जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, कांग्रेस पार्टी हो सकती है अपना दावा करेगी ये नहीं, ये सरकार के खिलाफ अंडरकरंट है और हमें मिल रहा है। तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि किसको अंडरकरंट लग रहा है और किसके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि ये बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय ये है कि जो मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो जागरूकता आई है लोगों में वो बहुत अच्छी बात है। लोगों को पहले लोगों को घर घर से बाहर निकालना पड़ता था वीरेंद्र जी, लेकिन अब लोग स्वतः वोट डालने जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है वो सोशल मीडिया की है, मीडिया की है, चुनाव आयोग की जो भूमिका रही है वो भी काफ़ी सराहनीय रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लगातार मुहिम चलाई है उसी का नतीजा कि सवेरे 6 बजे से मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ थी और अब जो शाम 6 बजे तक मतदान होगा उसके बाद भी लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर डटे रहेंगे, क्योंकि लोग 6 बजे तक भी यदि मतदान केंद्र में घुस जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, तो उससे उसको वोट कास्ट होगा ही, भले ही उसके लिए रात के 9 बजे या 7 बजे। तो कुल मिलाकर लोगों का जो मतदान के प्रति रुचि बढ़ी है, लोगों को लगता है कि जो सरकार बनने जा रही है देश की, उस सरकार में उसकी भूमिका निश्चित होनी चाहिए, वो जिस भी पार्टी को वोट कर रहा है उस पार्टी के प्रति उसकी जो है जिम्मेदारी है और देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में वो अपनी भूमिका निभाने को आतुर है। और यही कारण है कि इतनी तेज भीषण गर्मी के बावजूद भी अभी भी कई जगह से रिपोर्टें आ रही है कि पूरे प्रदेश में अच्छा मतदान हो रहा है, लोगों में काफ़ी रुझान है। और कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियों को अपना अपना कॉन्फिडेंस है। कांग्रेस पार्टी के थोड़ी देर पहले हम इंटरव्यू सुन रहे थे डॉक्टर रघु शर्मा जी का, वो दावा कर रहे थे कि हम मिशन 25 की ओर बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हैं यहाँ पे और इनके भी प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी अन्य नेताओं के जो बयान आए हैं उनको भी, उनका भी मिशन 25 है। दोनों ही पार्टियां मिशन 25 की ओर बढ़ रही है, देखना ये कि जनता किस मिशन 25 की ओर मुहर लगा रही है या फिर मिशन 25 में कहीं टांका मार रही है। जी अनिल जी, जिस तरह से आपने बताया कि रघु शर्मा जी ने एवन टीवी पे अभी एक इंटरव्यू दिया और उसी पर उन्होंने कहा कि मिशन 25 को कांग्रेस पूरा कर रही है और प्रथम चरण के चुनाव में जो मतदान फीसदी बढ़ा उनका दावा है कि वो भी कांग्रेस के पक्ष में हुआ और आज भी जो मतदान हो रहा है वो उनका कहना है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। देखिये, मैं कहना चाहूंगा नीरज जी कि रघु शर्मा जी की स्थिति बहुत हास्यास्पद नजर आई। वो कह रहे हैं कि इन चुनाव में भ्रष्टाचार और महंगाई मुद्दा है। मैं समझता हूं अगर कांग्रेस ये मुद्दे इस चुनाव में बनाती, भ्रष्टाचार और महंगाई, पहली बात तो कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, उसके पास इन चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। ये राष्ट्र स्तर का और राष्ट्र हित का चुनाव है जो इसमें कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर अगर वो आम जनता के पास जाती है तो मैं समझता हूँ आम जनता उसको एक ऐसा तमाचा मारती इस चुनाव में जो कांग्रेस समझती कि आगे कभी भी हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश में भ्रष्टाचार और महंगाई देने का अगर किसी ने कार्य किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है।
दूसरा विषय आप देखेंगे जो उत्साह और उमंग, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो मजबूत शासन देश को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, और एक जो विजन पूरे देश को नजर आ रहा है कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति कैसे बनेगा, युवाओं के सपने कैसे साकार होंगे, महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बनेगी, स्वच्छ भारत कैसे बनेगा, तो इन सब प्रश्नों के जब कोई उत्तर देखते हैं तो सामने सिर्फ जनता को सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही दिखते हैं। इसलिए पूरा देश लामबंद हो चुका है पुनः नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मैं समझता हूं हर बूथ से कमल खिलने को तैयार है, सिर्फ 23 मई का इंतजार है। जी रंजन जी, जिस तरह से आपने बताया कि हर बूथ पर कमल खिलने का इंतजार है, क्या पूरी उम्मीद है आपको कि 2014 में जिस तरह से मोदी लहर ने पूरे देश में एक लहर ला दी थी, और अपने राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 2014 में मिशन 25 को पूरा किया था, तो इस बार भी मोदी लहर के नाम पर ही भाजपा के उम्मीदवार वोट मांग रहे हैं, और आपको पूरी उम्मीद है कि मोदी के नाम पर ही देश की जनता वोट डाल रही है? जी देखिए, एक चंद लाइन में कहना चाहूंगा, लहर नहीं सुनामी है, मोदी सब पर भारी है। रही बात 2014 की और वर्तमान की, तो आप देखेंगे जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो जनता से वादे किए, झूठे वादे करके जिस प्रकार से कांग्रेस सत्ता में आई, चाहे वह किसान कर्ज माफी का वादा हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता का वादा हो, कांग्रेस किसी भी वादे को पूर्ण नहीं कर पाई है। और उनके जो कैंपेन चल रहे हैं, चाहे वो न्याय का कैंपेन हो, चाहे दूसरे कैंपेन हो, पूरे देश ने देखा, पूरी जनता जानती है जिस प्रकार से कांग्रेस का 60 साल का इतिहास रहा है, कांग्रेस का शासन रहा है, भ्रष्टाचार घोटालों से लिप्त शासन रहा है, उनका कांग्रेस का प्रथम परिवार पूरा की पूरा बेल पे है। ऐसी स्थिति आ चुकी है कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन भी हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को देश स्वीकार नहीं कर रहा है, और देश चाहता है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश को दो प्रधानमंत्री दिए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, उन्होंने राष्ट्रहित के लिए कार्य किया, ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आए जिनसे गरीबी दूर हुई है, गरीब सशक्त हुए हैं और मजबूत बनकर देश में जो अच्छा कार्य हो रहा है उनमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही सभी ने देखा है कि इन 5 वर्षों में देश ने किस प्रकार वैश्विक नेतृत्व किया है, चाहे हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का नेतृत्व हो, चाहे आर्थिक आधार पर नेतृत्व हो, चाहे सामरिक आधार पर नेतृत्व हो, देश ने सभी जगह मजबूती से अपना नेतृत्व विश्व को दिखाया है, और मैं समझता हूं आम भारतवासी पुनः वही मजबूत नेतृत्व चाहता है, और मजबूत नेतृत्व के रूप में उसके सामने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि मुद्दा विहीन, इन चुनाव में देखा गया कि दोनों पार्टियां ही मुद्दा विहीन हो चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी के पास भी गिराने के लिए कुछ नहीं था, भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार, पारदर्शी सरकार और विकास को कांग्रेस लेकर जनता के सामने, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास गिराने के लिए सब कुछ था तो पीएम मोदी को कहां तो अति पिछड़ा बनने की जरूरत थी, कहां भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद और सेना के नाम पर वोट मांगने की जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी ने सेना के नाम पर कहीं भी वोट नहीं मांगे, वीरेंद्र कहीं भी वोट भारतीय जनता पार्टी ने सेना के नाम पर नहीं मांगे है। अगर राष्ट्रवाद, यही सबसे बड़ी कमी है, राष्ट्रहित का चुनाव है जिसमें राष्ट्रवाद प्रमुख मुद्दा है। आप अपनी बात थोपना चाहते हैं लोगों पर, हम नहीं पत्रकार के नाते आपसे बात कर रहा हूँ, राष्ट्र में मजबूत सरकार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने सेना के नाम पे वोट मांगी, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, पुलवामा के नाम पे वोट दीजिए, एक भी उदाहरण पुलवामा के नाम पे वोट दीजिए, आपने राष्ट्रवाद के नाम पे क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने वाले सभी नागरिक देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। मैं आपसे एक प्रश्न, क्या आप मुझे बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, क्या उस देश का नागरिक नहीं है? क्या आज से 70 साल पहले थे? क्या इस देश में 70 साल से जो राज चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पाकिस्तान के लोग राज कर रहे थे? मैं तो आप कम से कम ये बात उन लोगों के सामने कीजिए, वीरेंद्र जी ये बात आप उन लोगों के सामने कीजिए जो लोग नहीं समझते हो, देश के लोग सब जानते हैं कि कौन राष्ट्रवादी है, कौन है राष्ट्रवादी है। आपके हिसाब से तो जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करेगा वो राष्ट्रवादी है। क्या पिछले 70 साल में जो देश में राज कर रहे थे पाकिस्तान के लोग कर रहे थे? किस तरह से आप लोग बनाना चाहते हैं जनता का, क्यों जनता का मनोबल तोड़ना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का वोट कास्ट नहीं करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है।
मतलब जो जनता पार्टी को वोट नहीं देगा देशद्रोही है। आप मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी के किस व्यक्ति ने कार्यकर्ता पदाधिकारी ने ये कहा है, आप बताइए ना। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने सभा में कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने सभा में कहा है, पीएम नरेंद्र मोदी ने सभा में कहा है, आपके हर चुनावी सभा में होता है। राष्ट्रवाद के नाम पे आप लोग झुठला नहीं, आप राष्ट्रवाद के नाम पर केवल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को थोप नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है वीरेंद्र जी, अगर आपके नेता और आपकी पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को थोप नहीं सकते। देश में हिंदुस्तान में पहले भी राज रहा है, भविष्य में भी राज रहेगा। वोट देने की बात है, वोट आदमी अपनी मर्जी से देता है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो भी राष्ट्रवादी है, कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा वो भी राष्ट्रवादी है। आप राष्ट्रवादी की भाषा को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं जोड़ सकते, मेरा विरोध इस बात पर है। और रही बात नहीं जोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, हर सभा में जोड़ा है मेरे भाई, यही तो कमी है। यही तो परम वैभव आज से पहले नहीं गया, परम वैभव आज से पहले नहीं था देश में। जहां जहां जिस मोबाइल से आप सेल्फी ले रहे हैं वो भी कांग्रेस की देन है। आपको समझ लेना चाहिए, ये भी समझ लेना चाहिए कांग्रेस की देन है मोबाइल, ये भी समझ लेना चाहिए, ये भी समझ लेना चाहिए जो विकास की धारा आप जो बताते हैं कांग्रेस जो आप ढोपना चाहते हैं वो हिंदुस्तान में नहीं है। जनता के सामने पहुंच रही है, मोबाइल कांग्रेस की देन नहीं है। बात यह है, मोबाइल कांग्रेस की देन नहीं है किसी भी तरीके से। हिंदुस्तान तो शायद मेरे 55 साल की स्थिति में आज जैसे तुमसे पैदा हो गया, इसी जो भारत जो आज आप देख रहे हैं मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी मोबाइल कांग्रेस की देन है, मोबाइल भारत की देन नहीं है। जो भारत आज दिख रहा है वो शायद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल में तैयार कर दिया इनके अनुसार, 4 साल में नहीं, 4 साल में तैयार कर दिया आपके अनुसार। वाजपेयी जी ने आपने तैयार कर दिया, बाकी हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ। आप इस तरह की भाषाएं बोल बोल के लोगों को उत्साहित नहीं कर सकते, लेकिन कुल मिलाकर मैं खैर कांग्रेस मैं निष्पक्ष बात करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की परिभाषा में बेहतरीन जानता हूँ, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और राष्ट्रवाद की परिभाषा में बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूँ, राष्ट्रवाद मैंने पढ़ा और पढ़ाया है। लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर सिर्फ आप राष्ट्रवाद के नाम पर आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं सोच सकते, दूसरी पार्टियों को भी आपको राष्ट्रवाद मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने वाला है या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला राष्ट्रवादी पार्टी है। बात हम कह रहे हैं कि बात आप सुनिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप सुनिए, क्योंकि इतना पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि देखिए वीरेंद्र जी बात भारत, है, मैं सिर्फ 2 विषय पूछना चाहूंगा वीरेंद्र जी, बात मैं मतदान की तरह ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का, आप खुद ही बोलना चाह रहे हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। वीरेंद्र जी सबसे बड़ी बात है कि मतदान हो रहा है, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, और कहीं ना कहीं असर दिख रहा है मोदी लहर का, यह आपको मानना पड़ेगा। लेकिन आप सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी है तो ऐसा इसको नहीं कह सकते। राष्ट्रवाद हो, ईमानदारी सरकार हो, पारदर्शी सरकार हो या मजबूत सरकार हो, और विकास भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो देश के लिए समर्पित रही, आम जन के लिए समर्पित रही, और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव लड़ रही है। तो विकास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैं समझता हूँ इन मुद्दों पर कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। यही तो कह रहा हूँ कि इस पूरे चुनाव में विकास गायब था, 2014 में विकास ज्यादा था, 2014 में विकास मुद्दा था, लेकिन